गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई नेम इज़ मनीष। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू मोरल वैल्यू फॉर क्लास 5 एंड टूडे चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नेम इज़ कंटेनमेंट इज हैप्पीनेस। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं जिस चैप्टर के बारे में, वो है हमारा कंटेनमेंट इज हैप्पीनेस। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इसे बोलेंगे संतुष्टि ही खुशी है। अब आप लोग सोचेंगे संतुष्टि ही खुशी कैसे होती है, ये हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे वार्म अप करने के लिए कह रहा है, थोड़ा सा ब्रीफ में कुछ इस चैप्टर के बारे में थोड़ा ब्रीफ किया है। तो देख लेते हैं क्या है ये चैप्टर कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस जो है वो क्या क्या रहा है। चलिए शुरू करते हैं। हैप्पीनेस डजंट डिपेंड ओनली ऑन द वेल्थ एंड कम्फर्ट्स दैट अ पर्सन इन्जॉयस। सही बात है, खुशियाँ जो होती है वो आपके रुपए पैसे से, धन से, ठीक है, या फिर आपको जो कंफर्ट्स है, जो आपको फैसिलिटीज़ मिली है, उस पर डिपेंड खुशियाँ नहीं करती हैं। दैट अ पर्सन, कि जो एक आदमी अगर उसके पास बहुत पैसा है, ठीक है, उसके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत खुश होगा। खुशियाँ वैसे नहीं मिलती हैं, ठीक है। अ पर्सन कैन बी हैप्पी इफ़ ही इज़ एबल टू अप्रिशिएट वट ही हैज़ देन कंप्लेन अबाउट वट ही डजेंट हैव। कह रहा है एक आदमी खुश तभी हो सकता है जब वो अप्रिशिएट करे, प्रशंसा करे जो उसके पास है, ठीक है, ये नहीं कि वो कंप्लेन करता फिर जो उसके पास नहीं है। यानी कहने का मतलब है हमारे पास जो चीज़ें हैं प्रेजेंट में, उसी को हमें लेके आगे बढ़ना चाहिए और उसी में हमें खुश रहना चाहिए, ठीक है। Only then will he find himself fortunate to be blessed in the present and find peace within him. तभी जाके वो क्या करेगा, खुश रह पाएगा, जो उसको आशीर्वाद मिला हुआ है, जो उसके भाग में मिला हुआ है, जो प्रेजेंट में वो जी रहा है, तभी जाके उसको वो शांति मिलेगी उसको खुद को, ठीक है। This would also help him to be positive and work hard towards a better future while following the path of virtuousness. और यही सारी जो चीज़ें होती है ये मदद करती है हमें किस काम में, पॉजिटिव होने में, सकारात्मक रहने में, कड़ी मेहनत करने में, और जो हम फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए जो हम फ्यूचर में बनना चाहते हैं, जो हमारा एम्बिशन है, ठीक है, उसमें आपको ये बहुत मदद करती है। और इसी बीच किसके थ्रू आपको पॉजिटिव रहते हुए वर्चुअसनेस जो है, जो आपको गुणी बनना पड़ेगा, अच्छा बनना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो चैप्टर का आपका ब्रीफ बताया है, लेकिन एक स्टोरी के थ्रू इसे बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टोरी क्या कहती है, आते हैं रीडिंग टाइम पे। द पाटिल्स लिव्ड इन पुणे एंड वर नोन टू बी वन ऑफ द वेल्थीएस्ट फैमिलीज, ठीक है। दे इंजॉय ऑल द कम्फर्ट्स दैट वन कुड एवर इमेजिन, सर्वेंट्स एट देयर बेक एंड कॉल, शॉफर ड्रिवन कार्स एंड स्टाफ टू हेल्प देम विद देयर कुकिंग, शॉपिंग एंड वॉशिंग। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज फैसिलिटीज द चिल्ड्रन संदीप एंड रितिका केप्ट कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग और द अदर। अब यहाँ पे एक फैमिली के बारे में बताया गया है, पाटिल्स, ठीक है। पाटिल्स यहाँ पे क्या है, एक पर्सन है, ठीक है, उनके फैमिली के बारे में बताया जाता है। वो कहाँ पे रहते हैं, पुणे में रहते हैं, और इनके बारे में ऐसा माना जाता है कि बहुत ही मतलब रिचेस्ट फैमिली है उनकी, बहुत ही धनी मनी लोग हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये कह रहा है जब धनी मनी लोग हैं तो उनके पास सारे कम्फर्ट्स होंगे, सारी फैसिलिटीज़ होंगी, अब वो इसको इंजॉय करते हैं। और इसको थोड़ा सा बताया भी है कि उन लोग के पास कम्फर्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है, उनके पास क्या है कि हाँ सर्वेंट्स हैं उनको, ठीक है। सर्वेंट किस लिए, उनका जो साफ़ सफाई करने के लिए, नाली वगैरह होती है साफ़ सफाई करने के लिए, उनके पास सर्वेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद शॉफर डिवेन बोलते हैं हम लोग, जो कार का ड्राइवर होता है ना उसको शॉफर बोलते हैं हम लोग, नॉर्मली ड्राइवर कह देते हैं, लेकिन जो कार का ड्राइवर होता है वो एक ड्रेस में रहता है वाइट कलर के, और उसको शॉफर बोला जाता है, तो उनके पास वो भी है। एंड स्टाफ है उनको खाना बनाने के लिए, फिर शॉपिंग के लिए, वॉशिंग कपड़े धोने के लिए, यानी कहने का मतलब हर तरीके से वो लोग के पास हर चीज़ फैसिलिटीज़ के रूप में कंफर्ट्स हैं, क्योंकि बहुत ही रिच हैं वो लोग, ठीक है। आगे कह रहा है इन सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज फैसिलिटीज़
The children Sandeep and Ritika kept complaining about something or the other. अब कह रहा है कि इतनी सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद भी जो उनके बच्चे हैं पाटिल साहब के जो बच्चे हैं संदीप और रीतिका वो क्या करते हैं कंप्लेन करते रहते हैं कुछ ना कुछ लेके कुछ ना कुछ करके वो कभी इस चीज़ पे तो कभी दूसरी चीज़ों पे वो शिकायत करते रहते हैं ये सही नहीं है तो वो सही नहीं है ऐसे होना चाहिए यानी कुछ ना कुछ वो कंप्लेन करते रहते हैं। आगे देखते हैं फेड अप एंड कंसर्न अबाउट देयर पैम्पर्ड अपब्रिंगिंग मिस्टर पाटिल डिसाइडेड टू टेक हिज चिल्ड्रन ऑन अ ट्रिप टू अ नियर बाई विलेज कॉल्ड रामपुर। अब क्या है कि इन सब चीज़ों की वजह से जब ये फेड अप हो गए ये ठीक है तो इस कंसर्न को लेके क्योंकि गलती उनके बच्चों की नहीं थी एक्चुअली उनका इतना पैम्पर्ड टाइप से उनका पालन पोषण किया गया था ठीक है इतना लाड़ प्यार करके उनको मतलब उनकी अपब्रिंगिंग की गई थी देखभाल किया गया था कि इस तरह की चीज़ें नॉर्मल है आम बात है तो इसके लिए उसके जो फादर थे मिस्टर पाटिल उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपने बच्चों को संदीप और रीतिका को वो उनका जहाँ पे गांव है ट्रिप पे लेके जाएंगे और उस गांव का क्या नाम है रामपुर ठीक है। आगे बढ़ते हैं ही वॉन्टेड टू शो देम हाउ पीपल लीड सिंपल एंड कंटेंटेड लाइव्स ठीक है वो एक्चुअली उनका पर्पस कुछ और था वो दिखाना चाहते थे कि देखो लोग कैसे एक सिंपल लाइफ और कैसे मतलब एक कंटेंडेंट लाइफ जीते हैं कितने संतुष्टि वाली लाइफ जीते हैं ठीक है। ही वॉन्टेड देम टू लर्न टू अप्रिशिएट द कम्फर्ट्स दैट दे इन्जॉय वो ये भी सिखाना चाहते थे अपने बच्चों को कि तुम्हें क्या है कि तुम्हारे पास जो भी चीज़ें हैं जो भी कम्फर्ट्स हैं जो भी फैसिलिटीज़ हैं आप उसको अप्रिशिएट करो आप उसकी प्रशंसा करो जो आप इंजॉय करते हो अपने लाइफ में जो आपके पास है जिन चीज़ों को। आगे देखते हैं ऑन रीचिंग रामपुर दे विजिटेड मिस्टर केलकर मिस्टर पाटिल्स बेस्ट फ्रेंड ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज। अब रामपुर जैसे वो पहुंचे तो वहां पे उनके एक बेस्ट फ्रेंड थे जिनका नाम था मिस्टर केलकर ठीक है ये मिस्टर पाटिल के स्कूल के दिनों से ही उनके बेस्ट फ्रेंड थे कौन मिस्टर केलकर ठीक है। मिस्टर केलकर लिव्ड विथ हिज वाइफ थ्री चिल्ड्रन एंड हिज एज्ड पेरेंट्स मिस्टर अब बता रहा है मिस्टर केलकर की फैमिली के बारे में वो अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ और साथ ही साथ उनके जो मतलब बूढ़े माँ बाप थे उनके साथ वो लोग रहते थे ठीक है। कौन मिस्टर केलकर की ये फैमिली है याद रखेंगे आप लोग। He had a farm in which he grew various vegetables, fruits and flowers. अब उनके पास क्या था कुछ खेत थे ठीक है जिसमें वो खेती करते थे क्या था उसमें कुछ उसमें वेजिटेबल्स सब्जियां वगैरह लगा के रखा था उन्होंने फ्रूट्स लगाए थे फल लगाए थे और साथ ही साथ कुछ रंग बिरंगे फूल भी लगा रखा था उन्होंने। आगे बढ़ते हैं ही सोल्ड हिज प्रोड्यूस इन पुणे और उनसे जो भी कुछ होता था उन्हें अब सब्जी अगर वहाँ पर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको ले जाके मार्केट में उसको बेचते थे तो फल बेच दिया कुछ फूल बेच दिया तो उनसे क्या होता था कुछ पैसे मिलते थे उन्हें। हिज चिल्ड्रन वेंट टू अ लोकल स्कूल एंड हेल्प देयर फादर इन हिज फार्म ड्यूरिंग देयर हॉलीडेज। अब बता रहा है ये जितनी भी बातें हो रही हैं मिस्टर केलकर के बारे में हो रही हैं ठीक है। मिस्टर पाटिल ट्रिप पे गए हैं गाँव में रामपुर ठीक है तो ये क्या है इनके जो बच्चे हैं मिस्टर केलकर के जो बच्चे हैं वो वहीं के गवर्नमेंट स्कूल में लोकल स्कूल में पढ़ते हैं लोकल स्कूल आप गवर्नमेंट स्कूल कह सकते हैं ठीक है। और वो क्या करते हैं वो अपने पिताजी का हाथ भी बटाते हैं कब जब भी उनकी हॉलीडेज रहते हैं जब भी छुट्टी रहता है तो वो अपने पिताजी के हाथ बटाते हैं कहाँ पर खेतों में ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम द पाटिल स्पेंड 4 days विद द केलकर्स। अब पाटिल फैमिली क्या है ट्रिप पे गई थी गांव पे तो उन्होंने 4 दिन बिताया ठीक है किसके साथ मिस्टर केलकर्स के साथ ठीक है। संदीप एंड रीतिका वर सरप्राइज टू नोट दैट द केलकर्स एट वेरी सिंपल मील्स एंड स्लेप्ट ऑन थिन मैट्रेसेस दैट वर लेड आउट ऑन द फ्लोर ओनली ड्यूरिंग बेड टाइम। अब ये कह रहा है यहाँ पे संदीप और रीतिका जो मिस्टर पाटिल के बच्चे थे वो देख के एक चीज़ बहुत ही सरप्राइज थे हैरान थे कि मिस्टर केलकर हैं जो उन लोग खाना खाते हैं वो बड़ा ही सिंपल तरीके का खाना होता है बहुत ही मतलब साधारण टाइप का भोजन होता है और वो लोग सोने के लिए कहाँ पे सोते हैं जो मैट्रेसेस होते हैं जो उनका एक पतला सा मैट्रेस था उसको कहाँ पे बिछाते हैं ज़मीन पे बिछा के वो लोग सोते हैं और वो भी कब
जब भी रात का टाइम होता है उसी समय वो मतलब मैट्रेस बिछा के सोते हैं, अदरवाइज दिन होते हैं वो लोग हटा लेते हैं उसे। आगे देखते हैं, देयर वर नो फैंस, लेट अलोन एयर कंडीशनिंग, दे बाथ्ड इन अ वाटर विच वॉज हीटेड आउटसाइड देयर होम विद लॉक्स ऑफ वुड। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहा है उनके घर में कोई फैंस नहीं थे, कोई एयर कंडीशन नहीं था। ठीक है, उनके पास जो नहाने के लिए उन्होंने जो रखा था, ठीक है, वो क्या था कि लकड़ी का बना हुआ था, और वो भी क्या है कि थोड़ा गर्म हो चुका, उसका पानी जो था मतलब बाहर ही रहता था तो वो थोड़ा गर्म हो चुका था, ऐसे मतलब ऐसे तरीके से वो लोग रहते थे। फॉर एंटरटेनमेंट दे ऑल सेट टुगेदर इन द हॉल एंड ईदर लिसन टू द रेडियो और वॉच जस्ट वन नेशनल चैनल ऑन ब्लैक एंड वाइट टीवी। अब यहाँ पे ये तो पहले तो इन्होंने बताया कि वो लोग खाते हैं बड़ा सिंपल, ठीक है, सोने के लिए रात में जब सोने का टाइम होता है एक पतला सा मैट्रेस बिछा के वहाँ पे सोते हैं। फिर उसके बाद उनका जो मतलब बाथरूम जिसे हम लोग कह सकते हैं, लेकिन उनका जो बाथरूम था वो अजीब टाइप का था, ठीक है, यानी एक लकड़ी का लॉग का बना हुआ था, उसमें पानी रहता जिस जो गर्म हो जाता था। ठीक है, इसके बाद बता रहा है कि एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए वो लोग क्या करते थे, वो लोग सारे लोग इकट्ठे, उनका जो हॉल था सारे लोग इकट्ठे होके एक साथ बैठ जाते थे, ठीक है, और क्या करते थे, लिसन टू द रेडियो और वॉच्ड जस्ट वन नेशनल चैनल ऑन अ ब्लैक एंड वाइट टीवी। या तो वो रेडियो सुनते थे या फिर उनके पास एक ब्लैक एंड वाइट टीवी थी, टेलीविजन, ठीक है, और उस पर एक ही चैनल आता था। ठीक है, उस पर ऐसा नहीं था कि हाँ उस पर बहुत सारे, जैसे डिश का रहता है तो उसमें बहुत सारे चैनल होते हैं, लेकिन उनके पास एक ही चैनल था, वो दूरदर्शन होगा। आगे देखते हैं, मोर ऑफन दैट नॉट दे स्पोक अबाउट द इवेंट्स ऑफ द डे और सैंग टुगेदर और प्लेड कैरम। अब यही नहीं था कि एंटरटेनमेंट के लिए रेडियो सुन लिया, टीवी देख लिया, इसके अलावा भी कुछ कुछ इवेंट्स ऐसे थे, कभी कभी वो इकट्ठा होकर गाना वगैरह गा लेते थे या फिर इकट्ठा वो लोग कैरम बोर्ड खेल लेते थे। ठीक है, आगे देखेंगे क्या कहते हैं स्टोरी में। वॉट स्ट्रक संदीप एंड रितिका वॉज दी ओनली द होल फैमिली इंजॉय जस्ट बींग टुगेदर। अब संदीप और रितिका को क्या लगा कि मतलब पूरा फैमिली है, एक साथ रहती है, सब लोग एक साथ इंजॉय करते हैं, मतलब उन लोग को थोड़ा लगा कि नहीं अच्छा लग रहा था उन्हें भी। ठीक है, तब क्या हुआ वहाँ पे, इट डिड नॉट मैटर दैट दे एट ऑलमोस्ट द सेम काइंड ऑफ फूड एवरी डे। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि इससे कोई बात नहीं है कि अगर आप एक ही तरह का खाना, ठीक है, एक ही तरह, यानी जो केलकर फैमिली है वो सिंपल फूड खाती थी या डेली एक ही खाना खाती थी, ठीक है, तो इससे कोई बात नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप सिंपल खाना खाते हो पर डे। इट डिड नॉट मैटर दैट दे वॉच्ड जस्ट वन चैनल विच टेलीकास्ट अकॉर्डिंग टू संदीप एंड रितिका। फिर ये कह रहा है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनका जो टेलीविजन है ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन है उस पर एक ही चैनल है, उस पर एक ही तरह प्रोग्राम्स आते हैं, ठीक है, और जो प्रोग्राम्स रहते हैं, और ये संदीप और रितिका के हिसाब से बोरिंग और आउटडेटेड प्रोग्राम्स, यानी उस जो एक चैनल होता है उस पर एक ही तरह की चीज़ें आती रहती हैं, तो वो उनके लिए, संदीप और रितिका के लिए वो क्या था, बोरिंग था और आउटडेटेड था। आउटडेटेड कहने का मतलब कि जो लेटेस्ट होता है, ट्रेंडिंग रहता, वो वैसा नहीं था, ठीक है, ये संदीप और रितिका के लिए था क्योंकि वो लोग वो चीज़ देख रहे थे। दे नोटिस दैट द मोमेंट्स द केल्कर्स पुट देयर हेड्स ऑन देयर पिलोज दे स्लिप्ड इनटू डीप स्लीप। अब उन्होंने नोटिस किया एक चीज़ को, ठीक है, क्या देखा कि केल्कर्स ने अपना जो मतलब होता है तकिए के ऊपर अपना सर रखा और उसके बाद वो गहरी नींद में सो गए। सो द फैक्ट दैट दे स्लिप्ड ऑन थिन मैट्रेसेस ऑन द फ्लोर विदाउट अ फैन और एसी सिंपली डिड नॉट बॉदर देम। अब यहाँ पे कह रहा है जो मिस्टर केलकर है, इन्होंने क्या नोटिस किया संदीप और रितिका ने कि मिस्टर केलकर जो है वहाँ पे पतला सा जो मैट्रेस बिछाया गया था, वो ठीक है दरी टाइप आप कह सकते हैं, वो पतला सा बिछाया, उस पर वो जैसे ही तकिया पे रख के सर वो गहरी नींद में चले गए। और ये लोग शॉक्ड इसलिए थे क्योंकि उन्होंने क्या है कि ना वहाँ पे फैन था ना ही एयर कंडीशन था,
तो थोड़ा गर्मी लगेगी ना, तब तो नींद नहीं आएगी। लेकिन वो लोग हैबिचुअल हो गए थे, वो जैसे ही वहाँ पे तकिए पे ऐसे सर रखा सो गए गहरी नींद में। ठीक है, आगे देखते हैं। इनफैक्ट दे वर हैप्पी विद द वे दे लीड देयर लीव्स। अब कह रहा है इन लोगों ने देखा कि हाँ, अगर सच बात तो ये है कि वो लोग, उनके पास जो है, जो लाइफ वो लोग जी रहे हैं, उसमें वो बहुत ही खुशियाँ, बहुत ही इंजॉय के साथ रहते हैं। ऑन देयर रिटर्न फ्रॉम रामपुर मिस्टर पाटिल आस्क द चिल्ड्रन। ठीक है, अब तो 4 दिन तो वहाँ पे थे लोग, जब भी वे लोग वापस जाने लगे, क्योंकि ये लोग ट्रिप पे गए थे पाटिल, ठीक है, तो वो लोग जब भी वापस रामपुर से जाने लगे, तो मिस्टर पाटिल ने अपने बच्चों से पूछा, सो हाउ वॉज द ट्रिप। अपने बच्चों मिस्टर पाटिल ने अपने बच्चों से यानी संदीप और रितिका से उन्होंने पूछा कि हाँ, ट्रिप कैसा था। इसके बाद क्या हुआ, यू मस्ट हैव गॉट बोर्ड दिस टाइम, नो फैंसी होटल और रिजॉर्ट टू स्टे, नो स्विमिंग पूल, जस्ट सिंपल फूड। तब यहाँ पे उन्होंने ही कहा कि हाँ, तुम डेफिनेटली बोर हो गए होगे, इसलिए क्योंकि वहाँ पे कोई फैंसी यानी बहुत बड़ा कोई होटल नहीं था, ना ही कोई रिजॉर्ट था, ठीक है, ना ही वहाँ पे, ठीक है, कोई स्विमिंग पूल था, और वहाँ पे आपको सिर्फ सिंपल खाना मिला जो आप लोगों ने खाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओह नो डैड, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट हॉलीडेज वी हैव एवर हैड, इंटरप्टेड संदीप। संदीप ने एकदम, वो बता रहे थे मिस्टर पाटिल की नहीं, ना फैंसी होटल था, रिजॉर्ट था, ना ही स्विमिंग पूल था, तुम लोगों ने सिंपल, तो वहाँ पे तुरंत ही इंस्टेंटली संदीप ने वहाँ पे इंटरप्ट किया, बीच में रुकते हुए बोला, नहीं पापा, ऐसा नहीं है, ये हमारा जो ट्रिप था ये हमारे बेस्ट हॉलीडेज में से एक है। ठीक है, येस इट वॉज सिंपली ग्रेट डैड, आई थिंक वी शुड गो ऑन मोर सच हॉलीडेज, एडेड रितिका। अब रितिका ने बोला, हाँ बिल्कुल, ये एक मतलब बहुत ही बड़ा एकदम कह सकते हैं, और हमें ऐसे हॉलीडेज पे, ऐसे ट्रिप पे हमें दोबारा भी फ्यूचर में जाना चाहिए। ओह रियली, सो वाई डिड यू लाइक दिस ट्रिप, आस्क मिस्टर पाटिल। मिस्टर पाटिल ने पूछा अभी यहाँ पे कि एक बात बताओ, अगर वाकई ऐसा है तो एक चीज़ बताओ कि तुम्हें ये जो ट्रिप है, जो ये हॉलीडेज में तुम लोग रामपुर आए, बिताए, कुछ टाइम स्पेंड किया, तुम लोग को इतना अच्छा लगा जब भी, क्यों इसे तुमने लाइक किया इस ट्रिप को। संदीप आंसर्ड, संदीप ने जवाब दिया, आई सी दैट वी हैव जस्ट टू डॉग्स टू टेक केयर ऑफ एवरी डे, बट मिस्टर केलकर्स फैमिली हैव अ शेड फुल ऑफ फ्रेंडली काउज एंड काफ, वी हैव अ फैंसी स्विमिंग पूल इन आवर टेरिस, वाइल दे इंजॉय अ कोल्ड वाटर बाथ इन स्ट्रीम विद क्रिस्टल क्लियर वाटर दैट फ्लोज थ्रू आउट द ईयर। अब यहाँ पे कह रहा है, संदीप ने जवाब दिया, पापा हमारे पास क्या है, 2 कुत्ते हैं जिसका हम लोग ख्याल रखते हैं। ठीक है, इसके बाद कह रहा है मिस्टर केलकर की जो फैमिली है, ठीक है, उनके पास बहुत सारा मतलब गाय हैं, उनके बछड़े हैं, ठीक है पूरा, और उनके पास क्या है, हमारे पास क्या है कि हमारे पास स्विमिंग पूल है हमारे छत के ऊपर, ठीक है, हम लोग एकदम ठंडे पानी से इंजॉय करते हैं, जबकि इनका ऐसा नहीं है, ये लोग हीटेड वाटर से मतलब बाथ लेते हैं, शावर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर रितिका सेड, We have Victorian lampshades in our garden, but they are happy to just gaze at the star-filled sky at night. रितिका ने बताया कि पापा हम लोग का जो हमारे गार्डन में क्या है, विक्टोरियन लैम्प शेड्स है। विक्टोरियन लैम्प शेड्स मैं बता दूँ बाबू, आप लोग पार्क वगैरह जाते हैं ना, अच्छे वाले पार्क में, ये लोहा फील्ड नहीं, ठीक है, अच्छे वाले पार्क में जाएंगे तो वहाँ पे जो लैम्प शेड्स लगा रहता है, देखिएगा साइड साइड में लगा रहता है, उसको विक्टोरियन लैम्प शेड्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे रितिका ने कहा कि पापा हमारे गार्डन में क्या है कि एक मतलब विक्टोरियन लैम्प शेड्स है, हम लोग उसे देख के बहुत खुश होते हैं, लेकिन मिस्टर केलकर की जो फैमिली है, जो उनके बच्चे हैं, वो लोग आकाश में तारे वगैरह देख के ही उसकी तरफ खुश हो जाते हैं। ठीक है, वी सी अ ह्यूज आयरन गेट व्हेन वी कम टू आवर बालकनी। हम क्या है, जब भी हम अपने घर में आते हैं, घर में एंटर करते हैं, तो हमारे पास लोहे का बहुत ही बड़ा क्या है, आयरन गेट है। ठीक है, वाइल दे इंजॉय लुकिंग एट द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ द फ्लावर्स एंड द ब्यूटीफुल बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज इन द गार्डन। जबकि केलकर फैमिली के जो बच्चे हैं, उनके पास क्या है, वाइब्रेंट कलर्स हैं, यानी बहुत ही रंग बिरंगे चमकीले फूल हैं वहाँ पे, ठीक है,
बहुत तरह तरह के सुंदर सुंदर चिड़िया हैं वहाँ पे, बटरफ्लाइज हैं ठीक है उनके गार्डन में, तो वो लोग उसको देखे उधर। और इन लोग का क्या है, ये रितिका बता रही है कि हमारे पास बहुत बड़ा, हम लोग जब ये अपने बालकनी में आते हैं तो हमें क्या दिखता है, स्टील का मतलब आयरन गेट एक दिखता है, लेकिन जबकि ये लोग देखते हैं तो इनको क्या, इनका गार्डन दिखता है, उसमें तरह एकदम चमकीले वाइब्रेंट कलर्स के फ्लावर्स रहते हैं, चमकीले फूल रहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चिड़ियाएँ रहती हैं, बटरफ्लाईज तितलियाँ रहती हैं उनके गार्डन में। आगे देखते हैं, संदीप एडेड वी हैव अ ह्यूज 3-स्टोरेड बंगलो विद अ स्मॉल ओपन स्पेस इन द फ्रंट, बट दे आर हैप्पी टू जस्ट लिव इन अ स्मॉल हट विथ लश ग्रीन फील्ड सराउंडिंग देम। संदीप कहता है कि पापा हम लोग के पास क्या है, 3-स्टोरी का बंगलो है, यानी 3 तल्ले का एक बंगलो है, बड़ा सा एक बंगलो है ठीक है, विद अ स्मॉल स्पेस इन द फ्रंट, और वहाँ पे क्या है कि सामने थोड़ा सा ठीक है छोटा सा एक जगह है ठीक है, बट दे आर हैप्पी टू जस्ट लिव इन अ स्मॉल हट विद लश ग्रीन फील्ड सराउंडिंग देम। लेकिन उनके पास क्या है, वो लोग एक झोपड़ी में रहते हैं ठीक है, लेकिन उनके चारों तरफ हरियाली है, खुला हुआ है, उनका जो फील्ड है चारों तरफ हरियाली है ठीक है। रितिका देन रिमार्क्ड, रितिका ने आगे टिप्पणी किया, बताई क्या, वी हैव सर्वेंट्स हु हेल्प अस विद आवर डेली कोरस। रितिका ने बताया कि हमारे पास क्या है, सर्वेंट्स हैं, नौकर चाकर हैं जो हमारे डेली के कामों में मदद करते हैं ठीक है। टू विच संदीप एडेड हैस्टली, तुरंत ही संदीप ने वहाँ पे जवाब दिया, ऐड किया, बट दे डू ऑल देयर वर्क ऑन देयर ओन, वी बाय आवर फूड वाइल दे ग्रो देयर्स। अब यहाँ पे संदीप कह रहा है कि जब यहाँ पे रितिका ने कहा था कि हम लोग के पास क्या है, बहुत सारे नौकर हैं काम डेली का काम करने के लिए, वहीं पे संदीप ने तुरंत ही इंटरप्ट करके बोला, ऐड किया कि वो लोग क्या करते हैं कि अपना काम खुद से ही करते हैं सारा ठीक है, और हम लोग फूड खरीदते हैं, वो लोग वहाँ पे क्या प्रोड्यूस करते हैं ठीक है। आगे देखते हैं, हम आगे कह रहा है, वी हार्डली नो पीपल लिविंग इन आवर लोकेलिटी बट दे हैव फ्रेंड्स ऑल ओवर देयर विलेज, ओह डैड व्हाट अ सिंपल हैप्पी एंड कंटेंटेड लाइफ दे लीड, सेड रितिका विद अ फेंट स्माइल। यहाँ पे कह रहा है कि हमें ये बड़ा मुश्किल होता है कि जो हमारे आसपास में लोकेलिटी में हमारे जो लोग आसपास में जो लोग रहते हैं ठीक है ठीक है, जो गांव में लोग रहते हैं वो लोग कितना एक सिंपल खुशी वाला कंटेंटेड संतुष्ट वाला लाइफ जीते हैं ठीक है। और इस बात को रितिका ने भी कहा, स्ट्रेस दे के कहा, स्टर्नली कहा ठीक है, एंड द वे दे, और वो जैसे हैं उस लाइफ को एंजॉय करते हैं। मिस्टर पाटिल वॉजेंट लिसनिंग एनी मोर, ही वॉज एस्टॉनिश्ड बियॉन्ड वर्ड्स। अब मिस्टर पाटिल थे, उनको तो पता था कि मेरे बच्चे हैं तो इतने सारे फैसिलिटीज़ हैं, कंफर्ट्स उनको दिए गए हैं, उनके पास ये है शॉफर ड्रिवन कार है, सर्वेंट्स हैं बहुत सारे, खाना बनाने के लिए लोग हैं, गार्डन में पानी देने के लिए लोग हैं, कपड़े धोने के लिए लोग हैं, हर चीज़ के लिए वहाँ पे मतलब पूरा फैसिलिटीज़ है। लेकिन ये सारे वर्ड्स अपने बच्चों के मुँह से सुन के मिस्टर पाटिल जो थे बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित हो गए। ही हैड अ सेटिस्फाइड स्माइल ऑन हिज फेस एंड वॉज लॉस्ट इन अ प्लीजेंट ड्रीम ऑफ हिज ओन फॉन्ड मेमोरीज ऑफ देयर हॉलीडे। अब यहाँ पे क्या है कि ये ऐसी बातें सुन के वो क्या हुआ कि अपने जो बचपन के दिनों में जो वो अपना टाइम उन्होंने स्पेंड किया था उसमें वो खो गए ठीक है। ही वॉज अवेकन फ्रॉम हिज थॉट्स व्हेन संदीप एंड रितिका टग्ड एट हिज आर्म, said one after other, Dad, you have taught us the real difference between wealth and poverty. अब यहाँ पे कह रहा है, उन्होंने अपने पिताजी को एकदम मतलब बाहों में, पिताजी के बाहों में चले गए और उन्होंने बोला अपने पापा से कि पापा आपने मुझे हम लोगों को ये सिखाया है, ये डिफरेंस बताया है अमीर और गरीब, अमीरी और गरीबी में यानी वेल्थ एंड पॉवर्टी में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, ये हम लोग को लेसन आपने सिखाया है। वी मे बी ब्लेस्ड विद ऑल द कम्फर्ट्स एंड रिचेस बट वी हैव पिक्ड अप अ ह्यूज कार्ट लोड ऑफ ह्यूमन वैल्यूज ड्यूरिंग दिस हॉलीडे, वी फील वी हैव बिकम रियली रिच ओनली नाउ। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ठीक है हम लोग को जो मतलब हम लोग के पास बहुत पैसा है, सारे फैसिलिटीज़ हैं, कंफर्ट्स हैं ठीक है,
बट वी हैव पिक्ड अप अ ह्यूज कार्टलोड ऑफ ह्यूमन वैल्यूज. लेकिन ये सब करने के लिए जो ह्यूमन वैल्यूज है, मतलब जो एक कहा जाता है एक आदमी का जो धर्म होता है, गुण होता है, वर्च्यूज, ठीक है, एक कर्टियस होता है, शिष्टाचार होता है, उसको में बहुत सारा लोडेड है वो, ठीक है, उसको बहुत फॉलो करना पड़ता है लाइफ में. ऐसा नहीं है कि केलकर की जो फैमिली थी उनके पास ऐसी चीज़ें नहीं थी. अमीर होना गरीब होना वो डिफरेंट थिंग रहता है, यहाँ पे वही बता रहे हैं, ठीक है. और जब ये हॉलीडेज की चीज़ें आती हैं तो हमें जो ह्यूमन वैल्यूज़ होती हैं वो हमें सीखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं. तो हम लोग अगर आप भी कहीं ट्रिप पे जाते हो तो आप जिस लोकेलिटी में आप अच्छे फैमिली से आते हो तो आप जाके आसपास देखना, उनके लाइफस्टाइल को देखना. हम लोग को सिर्फ लगता है कि अच्छा अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, इस सब से कुछ नहीं होता है. ह्यूमन वैल्यूज़ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, आप किस लाइफ को जीते हैं, ठीक है. आगे कह रहा है, अब आदमी क्या है ना, पैसे से, यहाँ पे एक चीज़ और भी उन्होंने बताया है कि आदमी क्या है, पैसे से बड़ा नहीं होता है. ह्यूमन वैल्यूज़ को वो कितना मतलब इम्पोर्टेंस देता है, इससे बहुत चीज़ होती है, ठीक है. अब यहाँ पे मोरल वैल्यू बता रहा है, यानी मोरल क्या है स्टोरी का. अ पर्सन कैन बी हैप्पी इफ़ ही इज़ एबल टू अप्रिशिएट वॉट ही हैज़ देन कंप्लेन अबाउट वॉट ही डजेंट हैव. अब यहाँ पे कह रहा है कि एक आदमी जो है वो तभी खुश हो सकता है जब वो अप्रिशिएट करे, वो प्रशंसा करे उस चीज़ को जो उसके पास प्रेजेंट में है, ठीक है, ना कि ये कि वो कंप्लेन करता रहे कि उसके पास ये नहीं है. होता नहीं है कि हम लोग सोचते हैं कि यार किसी को देख लिया, सिंपल सा होगा कि हाँ कोई अच्छा सा ड्रेस पहन लिया. आप लोग स्टूडेंट लाइफ में हैं तो किसी को देखेंगे ना, अच्छा ड्रेस पहन लिया, अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब वो ला रहा है, तो थोड़ा देख के होता है ना कि हाँ मेरे पास भी होता तो मैं भी कर लेता ये वो. ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है. यानी कहने का मतलब है आपको जितना है आप उसी में खुश रहिए, ठीक है. ऐसा नहीं है कि मतलब उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए. ये जो कंपैरिजन होता है ये हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी हम खुश रह पाएंगे. नहीं तो उसके बाद वैसे देखते देखते जलने लगेंगे, हम जेलस फील होता है, ठीक है. तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे पढ़ेंगे, ठीक है. और कोई भी इसमें डाउट होता है, आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग सेशन के दौरान मुझसे पूछ लेंगे, आई विल आंसर इट. आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.